नमस्कार। इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के कारण, लक्षण और उसकी होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे, तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँच सके। कान और कंधे की जब दो हड्डियों के बीच की डिस्क नस को दबाने लगती है और दर्द होने लगता है, तब इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण को देखते हैं। तेज दर्द जो गर्दन से शुरू होकर बाह तक जाता है। इसके अलावा कलाई और हाथों में कमजोरी और सुन्नेपन महसूस होने लगती है। हाथ ऊपर करने या गाड़ी चलाते वक्त या बालों में कंघी करने के समय भी दर्द होता है। हाथ और अंगुलियों से लिखते समय तथा खाना खाने के समय दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी को सिर के पिछले भाग में प्रायः सिरदर्द रहता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण को देखते हैं। आजकल युवकों द्वारा बाइक चलाते समय गर्दन एक तरफ रखते हुए कान और कंधे के बीच मोबाइल रखकर बात करते रहने से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो जाती है। इसी तरह लेटकर टीवी देखने से भी ऐसा समस्या हो जाता है। सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी जिन्हें अपने काम के दौरान लगातार बैठे रहना पड़ता है, उन्हें भी ऐसी बीमारी हो जाती है। ऐसी मजदूर जिन्हें काफ़ी देर तक अपने हाथों को कंधे या सिर के ऊपर रखना पड़ता है, उन्हें भी यह रोग हो जाया करता है। पुस्तकालय में बार बार किताबें रखना या निकालने से भी यह रोग होता है। स्थिर या सावधान की स्थिति में लगे पुलिसकर्मी या फौजी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। ऊंचे तकिए पर सिर रख के सोने से भी यह रोग हो जाया करता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की होम्योपैथिक दवा की चर्चा करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है एसिड फॉस मदर टिंचर में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की यह प्रमुख दवा है। इसका लक्षण है कि इसमें दर्द फारने के समान होता है। अगर दर्द फारने के समान हो, ऐसा लक्षण मिले, तो इस दवा की 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में दो बार सुबह और शाम पिए, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। लैक्नेंथिस 30 पोटेंसी में। गर्दन जकड़ा हुआ और दर्द मानो ऐसा हो जैसे हड्डी डिसलोकेट हो गया है, तो आप इस दवा की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार सुबह, दोपहर और शाम में टपकाएं, आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। स्टिक्टा 30 पोटेंसी में। गर्दन से दायां कंधे तक काफ़ी दर्द हो तो इस दवा की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार टपकाना है। ध्यान रखिएगा, लक्षण यह है कि गर्दन से दायां कंधा के बीच काफ़ी दर्द होता है इसमें। आगे की दवा है कॉकुलस इंडिकस 30 पोटेंसी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की यह प्रचलित दवा है। गर्दन में कड़ापन, सर्वाइकल विटेब्रा में आवाज़ आती हो तो यह दवाई बहुत लाभ करती है। ऐसे में इस दवाई की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार टपकाएं। डलकामारा 30 पोटेंसी। गर्दन और कंधा में स्टिफनेस और लेमिनेस, बैकबोन में दर्द, ऐसे में यह दवा की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार टपकाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। काली आयो 30 पोटेंसी। गर्दन में नंबनेस जो रात में बढ़ता है, तो ऐसे लक्षण मिले तो आप इस दवा की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार लें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। थेरिडियन 30 पोटेंसी में। स्पाइनल कॉर्ड का डिजेनरेशन जिससे चक्कर आता है, आंख बंद करते ही चक्कर आता है, तो ऐसे में इस दवा की दो बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में तीन बार टपकाएं, आपकी यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैगफोस 12x, कैलकेरिया फॉस 12x और काली मूर 12x की चार चार गोली गुनगुने पानी में डालकर उसे घोलकर दिन में तीन बार सुबह, दोपहर, शाम पीने से आपको बिल्कुल दर्द होना, नंबनेस, स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कुछ टिप्स को देख लें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी को ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए जिसमें लगातार काम करना पड़ता है या हाथों को कंधे के ऊपर बार बार ले जाना पड़ता है। अगर बैठने का काम अधिक है तो हर 10 मिनट पर उठकर कमर और गर्दन को सीधा किया करें। फिजियोथेरेपिस्ट के संरक्षण में रहकर व्यायाम करना बहुत ही लाभदायक होता है। लक्षण मिलने पर आप दवा को भी शुरू कर दें। कोई लक्षण ना मिले तो आप लास्ट की बताई दवा मैगफोस 12x, कैलकेरिया फोस 12x और कालीमूर 12x का सेवन करें, आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। दो दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले
या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।